भारत प्राचीन से ही धर्म, देवी देवताओं, संस्कृत, सभ्यता में विश्व भर में प्रसिद्ध देश रहा है। भारत जहां अनेकों राजाओं, महाराजाओं, मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया था, आज यह एक स्वतंत्र भारत है। भारत में एक सामान्य चीज आप देख सकते हो और वह यह कि यहाँ के देवी देवताओं के मंदिर, यहाँ के हिंदू अपने भगवान को बहुत चाहते हैं और यहाँ के लोगों ने प्राचीन काल से ही हिंदू देवी देवताओं के लिए घर यानी मंदिर बनाए हैं, जिसे कुछ मुगलों ने तोड़ा लूटा तो कुछ अंग्रेजों ने लूटा तोड़ा, पर यहाँ की आन बान शान यानी संस्कृति जो यहाँ की प्राचीन सभ्यता में बसती है। आज हम कई ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो 1000 सालों से भी पुराने हैं। नंबर एक, ब्रह्मा जगत पिता, पुष्कर, राजस्थान। पहला मंदिर ब्रह्मा जगत पिता, पुष्कर, राजस्थान। अभी जो बताने जा रहा हूँ, जिस बात से आप सच में आश्चर्य हो जाएंगे, पुष्कर झील जो राजस्थान के पवित्र झील मानी जाती है, इसी के पास ये मंदिर है और यह मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में तो आता ही है, साथ ही साथ विश्व के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। वर्तमान में जो संरचना है वह कुछ 14वीं शताब्दी का है, लेकिन इस मंदिर को 2000 साल पुराना कहा जाता है। हंसा और हंसी के रूपम वनों में जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर को बनाया गया है, जिसे संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। नंबर दो, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है, जिसे गंगा वंश के राजाओं ने 13वीं सदी में बनवाया था। वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है यह मंदिर, जिस पर एक विशाल आकार के सूर्य देवता का रथ है, जिस पर 12 जोड़ों के पत्थरों के पहिया लगे हैं, जिसे 7 घोड़े के समूह खींच रहे हैं। इस मंदिर में अलौकिक मूर्तियां, अप्सराओं की मूर्तियां, संगीतकारों की आकृतियां बनाई गई हैं। यह मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से विशाल, अद्भुत और प्रवासियों के लिए आकर्षक है। नंबर तीन, पंचरत्न मंदिर, बांकुर, पश्चिम बंगाल। 1643 में राजा रघुनाथ सिंह के द्वारा निर्मित कराया गया यह मंदिर एक छोटे से चबूतरे पर बनाया गया है। चारों तरफ से 3 मेहराबों द्वारा एक पोर्च के साथ एक एम्बुलेटरी मार्ग है और दीवारों पर भगवान कृष्ण के जीवंत के पहलुओं को एक अलग ही नक्काशी में दिखाया गया है। नंबर चार, मंदिर सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। पहले आपको सांची का स्तूप यानी स्तूप होता क्या है यह बताते हैं। स्तूप यानी भगवान बुद्ध के अवशेषों यानी बाल, दांत एवं राख को एक बक्से में रखकर ईंट से अंडाकार में चिनाई की जाती है, जिसे स्तूप कहते हैं। स्तूप का रेखाचित्र वियोरा हर्मिका, स्तूप के ऊपर के अंडाकार हिस्से के चारों ओर से लगी रेलिंग जिसे हर्मिका कहते हैं। मेधी, स्तूप के चारों तरफ से बने घुमावदार रास्ते को मेंधी कहते हैं, जिसका उपयोग परिक्रमा के लिए किया जाता है। परिक्रमा पथ, मंदिर के चारों तरफ समतल ऊंचाई पर बने पथ को परिक्रमा पथ कहते हैं, जिसके दाहिनी तरफ परिक्रमा करते हैं। प्रवेश बंदनवार, बंदनवार का मतलब होता है कि प्रवेश दरवाजे की 2 उच्चतम स्तंभ होते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा पर तिरछा कलाकृति के बिंब होता है। इस पत्थर की संरचना की भव्यता जो इसके आकार को 16 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। मौर्य काल में करीब 10 स्तूपों का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पीपराव गांव, बिहार के चंपारण जिले के लौरिया गांव में 1905 में प्राप्त हुआ था, जो मौर्यकालीन से भी पूर्व के हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्तूप के बारे में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो स्तूप पाया गया है वह 12वीं शताब्दी के समय का है।
कहा जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों से बनाया गया है। यह स्तूप सम्राट अशोक के पत्नी और उनके बेटी के देखरेख में बनाया गया था। नंबर 5, मंदिर दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान। इस मंदिर को 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में राजस्थान के माउंट आबू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक ही परिसर में 5 मंदिर है जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग पहचान दिखाए गए हैं, जो कि खुद में एक जटिल शिल्प कला के रूप में जाना जाता है। सभी मंदिर अपने अपने वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं और सभी में आपको भारत की संस्कृति का झलक दिखाई देगा। संपूर्ण मंदिर संगमरमर के बने हैं, अंदर से दरवाजे छठ मूर्ति सब संगमरमर की पत्थरों से बनाए गए, जो एक अद्भुत कलाकृति का नमूना है। इस मंदिर में हाथी और घोड़े पर सवार लोगों की मूर्ति भी है, संपूर्ण संगमरमर की पत्थरों से बनाया गया है। कुछ सालों पहले मलबे से हजारों साल पुराना यहाँ पर एक बौद्ध भगवान मूर्ति प्राप्त हुआ। मैंने इस मंदिर को खुद अपने आंखों से देखा है, सच में बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है। कुछ सालों पहले इस मंदिर पर हमला हुआ जिससे हाथी की एक सुर टूट गया था। उसके बाद से इस मंदिर की सुरक्षा और ज्यादा कर दी गई। अगर आपको ये वीडियो आई हो तो लिखे कमेंट और शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। धन्यवाद।